वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.6। लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल एबीसी बी लोकेटेड आउटसाइड ए सर्किल। ये हमने एक सर्किल बनाया, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक सर्किल बनाया, इसके ऊपर एबीसी एंगल है, इसका वर्टेक्स कौन सा है, बी है, ये सर्किल के बाहर है, ये इसमें बताया गया। एंड लेट द साइड्स ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड्स ए डी एंड सी ई। ये जो वर्टेक्स की साइड है, एक तो ए डी है और एक ये बी डी है, एक तो बी डी है और एक बी ई है, ये जो है इक्वल है, यानी ए डी और सी ई सर्किल के अंदर ए डी और सी ई जो जगह है वहां पर ये इक्वल साइड्स है। प्रूव दैट ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स। आपको प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी, यानी ये कोण है, ठीक है, कोण ए बी सी किसके बराबर है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल कौन सा, डी ई लाइन पे जो सबटेंड कर रहा है, यानी डी ओ ई, इसमें से डिफरेंस किसका, ए ओ ई, ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का डिफरेंस है, उसका आधा ये है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए ए डी और सी ई जो है ये इक्वल है, दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी और इक्वल टू सी डी है, और हमें ये पता है कि एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यानी जैसे मान लीजिए आप यहां पर एक त्रिभुज बनाते, ये लाइन है आपकी, ठीक है, और यहां पर आप एक त्रिभुज बनाते हैं, ये तो ये त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके जो इंटीरियर एंगल है, एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑपोजिट, ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है इसके बराबर होता है ये एक्सटीरियर एंगल। ट्राइंगल ए बी ई में, ठीक है, ये होगा ट्राइंगल ए बी ई में, एक एंगल ए बी ई, ए बी ई यानी ये, और दूसरा कौन सा है, ये यानी ए ई सी, यानी ये और ये दोनों ट्राइंगल मिलकर के ये एक्सटीरियर ट्राइंगल है, किसका, ए बी ई का एक्सटीरियर का ट्राइंगल है। ए बी ई या बी ए ई जो ये जो ट्राइंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, डी ए ई, तो इसीलिए डी ए ई जो है इन दोनों कोणों को के बराबर हो गया। ये तो आपका हुआ समीकरण 1। उसके बाद में ये जो डी ई है इससे एक कोण बन रहा है, ये डी ई से एक कोण बन रहा है डी ओ ई, ठीक है, कोण डी ओ ई, और एक नियम जो आपने पहले पढ़ा था उसके अनुसार क्या है कि एक कोण के ऊपर जो दो रेखाएं सेंटर से मिलती है, ये कोण है डी ई, इस पर एक रेखा डी ओ और ई ओ ये सेंटर से मिलती है, तो सेंटर पर मिलने और बनने वाला जो कोण आता है यानी डी ओ ई, ये कोण ये कितना होगा, इसी रेखा इसी सेंटर के बाहर इन रेखाओं को मिलाइए, जैसे मान लीजिए आप डी को ए से मिला दिया और ई को ए से मिला, यहां डी को ओ से मिलाया, डी को ई को ओ से मिलाया, यहां डी को ए से मिलाया और यहां ई को ए से मिलाया, तो ये जो कोण जो बना बनेगा बाहर वो कितना होगा इसका, ये आधा होगा डी ओ ई का, ठीक है, तो ये जो कोण ए है यानी कि डी ए ई, कोण डी ए ई, ठीक है, डी ए ई ये कोण ओ डी ओ ई का आधा है, ठीक है, तो हाफ ऑफ डी ओ ई
इज इक्वल टू कोण बी ए। इसी प्रकार से ए ओ सी ट्राइंगल में जो ओ है यानी कोण ए ओ सी, ए ओ सी यानी ये वाला कोण जो बनेगा, ठीक है, ये इसका आधा होगा। ए यहां से जो ये लाइन मिली और ये मिली, इस लाइन को आप यहां तक बढ़ा दो और इस लाइन को यहां तक बढ़ा दो, ठीक है। यानी ये जो कोण है कौन सा हुआ, ये हुआ ए ई सी, कोण ए ई सी। कोण ए ई सी किसका आधा है, कोण ए ओ ई का, ए ओ सी का, ए ओ सी का आधा है कोण ए ई सी, यानी हाफ ऑफ कोण ए ओ सी इज इक्वल टू कोण ए ओ ई सी, ए ई सी। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब हमारे पास में तीन समीकरण हो गया, एक ये और एक ये। अब तीनों को हम मिक्स करते हैं। देखिए इसको लिखते हैं हम हाफ ऑफ कोण डी ओ ई इज इक्वल टू कोण डी ए, और डी ए जो है ये किसके बराबर है, ये हमने कहा था डी ए इज ए बी सी प्लस ए सी। तो हम डी ओ डी ए की जगह ये लिख सकते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी ए सी, ये दोनों कोण, ठीक है। ये डी ए की जगह हमने ये लिख दिया क्योंकि ये इनके बराबर है, ओके। और अब देखिए ये जो ए ई सी है ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ कोण ए ओ सी। तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं, आप इसकी जगह ऐसे कहते हैं हाफ ऑफ कोण डी ओ सी डी ओ ई इक्वल टू कोण ए बी सी प्लस, अब ए ई सी जो है ए ई सी ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ कोण ए ओ सी, ठीक है। ए ई सी किसके बराबर है, हाफ ऑफ ए ओ सी। तो यहां ए ई सी की जगह हम जो है हाफ ऑफ ए ओ सी लिख देंगे। अब देखिए हमको कोण ए बी सी ये अलग रह गया, कोण ए बी सी इधर लाइए आप, कोण ए बी सी बराबर क्या आएगा, ये आएगा कोण ए बी सी, इसको आप लेफ्ट से राइट में ले आई और इसको राइट से लेफ्ट में ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर हाफ ऑफ कोण डी ओ ई, ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ डी ओ, और ये जो है अब आपका इस साइड में आ रहा है इसलिए हो जाएगा माइनस, प्लस का जो है ये माइनस हो जाएगा हाफ ऑफ कोण ए ओ सी, ठीक है। यानी कोण ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी ओ ई एंड ए ओ सी। पूछा क्या है, प्रूव दैट ए बी सी इज, ये ए बी सी इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ एंगल सब्टेंड बाई कोर्स ए सी एंड डी, हाफ ऑफ डी ओ ई एंड ए ओ सी, जो अपन ने लिखा ना पहले, क्या पूछा है, ठीक है। कोण ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोण डी ओ ई माइनस हाफ ऑफ ए ओ सी, ये आपका प्रूव हो गया, वही आ गया ना जो पूछा है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।